हुए विवाद के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बाहर से प्रसाद खरीदने के बजाय प्रसाद बनवाने का फैसला किया है। आज प्रसाद का उद्घाटन किया गया है, दशहरा का अवसर था तो ऐसे में बाबा विश्वनाथ को यहां पर प्रसाद चढ़ाया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना यह है कि ये प्रसाद पूर्ण रूप से शुद्ध और स्वच्छ होगा। इसी को लेकर हमारे सहयोगी मदन मोहन ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पूरी स्थिति का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको। बालाजी में प्रसाद मिलावटी प्रसाद के बाद अब कहा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है अब यहाँ के बने हुए प्रसाद जो है श्रद्धालुओं को मिलेंगे और कुछ लोग यहाँ पे हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से आए हैं। आज कहा जाए तो यहाँ पे बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो है यहाँ के बने हुए प्रसाद आपको मिले हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बालाजी में जो मिलावटी प्रसाद हुआ था उसके बाद यहाँ पे मंदिर प्रशासन ने यहाँ के बने प्रसाद जो है कहा जाए जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए लागू किया है। किस तरह से आपने प्रसाद खरीदा भी है? खरीदा है, खाया भी है, बहुत टेस्टी था, बहुत शुद्ध था, बहुत अच्छा लगा। एक पैकेट लेने के बाद हमने दो और भी लिया क्योंकि बहुत स्वादिष्ट था और हमें अच्छा लगा कि वो बिल्व पत्र से वो प्रसाद बनाया है। वो आइडिया बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि भगवान पर जो चढ़ाया है बिल्व पत्र उससे प्रसाद बनाया है, वो बहुत अच्छा लगा हमें आइडिया। टेस्ट भी बहुत अच्छा था, शुद्ध था। क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रसाद आपने लिया? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। प्रसाद बिल्व पत्र से बनाया है ना, ऐसे बहुत तो स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। भगवान का दर्शन है ना, बहुत अच्छा है, प्रसाद भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। प्रसाद हम लोगों ने खरीदा और खाया भी, बहुत अच्छा था, टेस्ट भी एकदम बढ़िया था। और जो प्रसाद यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तिरुपति में जो हुआ बहुत दुख हुआ वो सुन के। अभी यहाँ पे मंदिर में ही प्रसाद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं और ये हमारा चौथी बार है काशी आना, तो आई जेन्युइनली फील वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। सो थैंक यू वेरी मच। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। दशमी के अवसर पर ये बड़ा ही पुनीत अवसर है जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का खुद का रेसिपी का प्रसाद एक्सटेंडेड रूप में यूनिफॉर्म रूप से शुरू किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले निर्णय लिया गया था कि शिव जी के ऊपर अर्पित होने वाली शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रिसर्च करके हम लोग एक रेसिपी तैयार करें और उसी का प्रसाद भक्तों में वितरित करवाएं। उस रेसिपी बनाने का जो रिसर्च था वो लगभग 4-5 महीने चला और बहुत से ग्रंथों का, पुराणों का इसमें अध्ययन किया गया और शिव जी के ऊपर क्या प्रसाद अर्पित होता है उन सबकी रिसर्च के बावजूद बाद ये सारे इंग्रीडियंट निकाले गए, उनके प्रोपोर्शन तैयार किए गए और उसके माध्यम से इसके सैंपल तैयार किए गए। देखिए, न्यास के द्वारा ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था श्री काशी विश्वनाथ धाम का अपना एक प्रसाद होना चाहिए, तो शास्त्रों कई विद्वानों को लगाया गया, शास्त्रों से एक रेसिपी ढूंढी गई और उस रेसिपी के आधार पे ये तय किया गया कि जो सामग्री प्रसाद में यूज होती है वह कहीं ना कहीं बाबा पे अर्पित भी हो और इन सब को मिला करके एक बेहतर प्रसाद बने। उसके क्रम में जो रेसिपी तैयार हुई उसको अमूल को दिया गया है, जो चूंकि अमूल की यहाँ फैक्ट्री खुली है बनास डेयरी की, तो हम उनकी मशीनरी और उनके प्रिमाइसेस का प्रयोग कर रहे हैं।